फरवरी नूं होण वालियां नगर कौंसल दीआं चोणां नूं लै के बीजेपी लीडर अश्विनी कुमार शर्मा चोण प्रचार करन लई फिरोजपुर पहुंचे जिथे उन्हां नूं किसान जथेबंदियां दे तिखे विरोध का सामना करना पिया। इत्थे ही नहीं सगों किसानां वल्लों अनिका शर्मा की गड्डी का घिराओ करके उसते डंडियां नाल बार भी कीते गए। इस मौके ते वड्डी गिनती विच पुलिस फोर्स भी तैनात रही। इस मौके ते पुलिस अधिकारी मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब देने तो भजदे नजर आए। नहीं नहीं इदा नहीं कोई गल नहीं, कोई टांगा नहीं, कोई गल नहीं है। पुलिस वालों निकल के नहीं कि पुलिस वालों लाठीचार्ज किया गया, असीं रोक नहीं सकते। बिल्कुल कुछ नहीं, लाठीचार्ज बिल्कुल रोके नहीं गए, कोई गल नहीं है। अगर बैरीकेड लगे से कोई लाठीचार्ज चल, बड़े आराम नाल इत्थे पहुंच गए किसान, बड़े आराम नाल पहुंच गए। नहीं नहीं असीं उन्होंने कहा कि तुम इतने वेट करो 10 मिनट, कोई गल नहीं। बैरीकेडिंग लगाई गई ने, इन्ने पुख्ता प्रबंध ने, फिर भी इन्नी गिनती किसान है, क्यों? देखो जी इन्हें ढकिया से मीडिया नाल गलबात करदिआं किसान आगू हरनेक सिंह महमा ने कहा कि पंजाब च जित दा दावा करन वाली बीजेपी पार्टी दे आगू अज लोकां तों लुक लुक मीटिंगां कर रहे ने। अज वेखो जी पंजाब दा जिहड़ा प्रधान अश्विनी शर्मा बीजेपी दा, वो इत्थे कोई मीटिंग मूटिंग सानूं पता लगा करन आ रहा सी, चोरी मीटिंग करन आ रहा सी, क्योंकि जे तां अगे जिवें आउंदे ने महीना महीना पहलों ढोल वजाउंदे ने कि असीं मीटिंग करन आउणा। हुण बीजेपी की हालत यह होगी भी ये लोगों को दस भी नहीं सकते असी मीटिंग करना आना, मीटिंग भी चोरी करते हैं। सो बेशक साढ़े तो चोरी मीटिंग करना चाहता सी, पर असी अज उहदा विरोध किया, रज के विरोध किया। साडा डेमोक्रेट हक सी जिहड़ा, उहदी वरतों करके असी उहदा रोक विरोध किया, असी उहनूं अंदर ताड़ी रखिया, मीटिंग करन नहीं दित्ती। किसानां तों डरदा भज के निकलिया, लुक के निकलिया। सो यह बीजेपी की अज की हालात है, जिहड़े कहिंदे ने कि असी पंजाब दीआं सारीआं सीटां जितनियां ने उहनां दी हालात है भी मीटिंग भी नहीं कर सकते, ओपनली मीटिंग नहीं कर सकते, उन्हां दी राखी पुलिस नहीं कर सकती, उन्हां नूं भजना पैंदा, डरदिआं निकलना पैंदा। ये बीजेपी की हालत है अज। सर अज किवें देख रहे हो, क्योंकि जिहड़ा मुद्दा जिहड़ा हैगा शुरू तो अपना चलिया आ रहा किसानी नूं लैके, लेकिन हजे तक कोई हल नहीं निकलिया, कोई ना कोई जिहड़ा हैगा नज़र नहीं आ रहा कुछ। नहीं जी हल बहुत निकलिया है, ऐ नहीं कह सकते आपां हल नहीं विखिया। वेखो जी असी घोल कित्थों शुरू किया, असी घोल शुरू किया आपदे पिंडां तों, पिंडां दे विच असी अर्थियां साड़ियां पिंडां चों चुक के असी शहर लैके आए, शहर च असी अर्थियां साड़ियां ते नाल असी मोटरसाइकिल मार्च किया, नाल असी ट्रैक्टर मार्च किया, शहरां दे विचों चुक के असी सेंटर नाल सीधी लड़ाई की, असी स्टेशनां ते बह गए ते रेलां रोक दित्तियां। रेलां रोकण तों बाद असी दिल्ली कूच किया, दिल्ली दे विच असी जिहड़ा 78 दिन तों जाम लाया है उहदे तों बाद लड़ाई लैके असी कन्याकुमारी तों केरला तक गए, आसाम तों लैके बंगाल तक, सारी इधर गुजरात तक असी लड़ाई लैके गए, पूरे हिंदुस्तान च खिलारी। हिंदुस्तान च खिलारन तों बाद अज ये लड़ाई बरतानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, कनेडा, इंग्लैंड, फ्रांस, किन्ने मुल्कां च। सो ये साडे कोल दा वाधा है कि पिंडां च शुरू हो गया, अज दुनिया च फैल गया। सो ये नहीं कि इहदे कन्न ते जूनी सरकी, जिहड़ी बीजेपी का ये लाणा है इन्हां दे कन्नां ते तां चूहे भज्जे फिरदे ने, लोकी कहिंदे जूनी सरकदी, इन्हां दे कन्नां ते चूहे भज्जे फिरदे ने। सो आउण वाले दिनां च वेख्या जे असीं दिल्लियों जित के मुड़ना, देखा जाए तो जी नौजवान पीढ़ी है बहुत प्रेरित हुई है इस चीज़ तो, भी जो अगे लग के जो काम कर रहे हैं, तो जोड़ा आने वाला समा हम तुम की कहना चाहते हैं अजकल नौजवान पीढ़ी जो मतलब कि हजे भी घर बैठे प्रचार कर रहे हैं, बस सलाह कर रहे हैं। देखो जी इस संसार के 3 धिर होंदिया ने, वो बुढ़िया च भी, नौजवानों भी, औरतों च भी, हर किसी होंदिया ने। एक होंगी लड़न वाली, एक होंगी खड़ के वेखन वाली, एक होंगी लत्तां खिंचन वाली। लड़न वाली धिर अज इत्थे आ गई, खड़ के वेखन वाली घरे बैठी कमेंट करती भी है, तो लत्तां खिंचन वाली अंदर बैठी पैलेस च। ये 3 धिर पहलों भी सी, अज भी नहीं, तो सदा रहनगियां, पर आने वाले समय से जिहड़ी जित उहदा सिरा नौजवानों के सिर ते जाना, ये नौजवानों करके जित होगी, नौजवानों करके लड़ाई लड़ी जा रही, नौजवानों के सिर ते जित दा सिरा होगा। आने वाले दिनों च नौजवानों की जिहड़ी राजनीतिक चेतना बनी है, उहने तुसीं वेख्या जे पंजाब दा मुहंदरा किवें बदलदी। सर 26 जनवरी ने जिहड़े कांड होया उस तो जिहड़े अपने वीर किसान ने वो उन्होंने चक के जेल च किए हुए ने, उन्होंने बारे की कहना चाहते हैं? देखो जी उन्होंने किसान को छड़ने शुरू कर दिते ने, असी 6 तरीक नूं 3 घंटे का जाम इसे गल नूं लैके लाया सी कि साढ़े जिहड़े गिरफ़्तार किए हुए किसान ने उन्होंने फौरन रिहा किया जाए, उन्होंने पाए हुए केस रद्द किए जाण। वह लड़ाई चलती पी है, असी दोवां तरीकियां नाल लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी भी तो जनतक तौर पर भी। सो ये लड़ाई है, लड़ाई तो लोग शहीद भी हुंदे ने, राजनीतिक कैदी भी बनते हैं, जंगी कैदी भी बनते हैं, साढ़े तो भरा जंगी कैदी ने, जंगी कैदियों छुड़ाने की लड़ाई चलती पी है, कोई नहीं फिर की हो गया।
ਅੱਜ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਸਰ? ਸਾਡਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਐਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੋਲ ਵੇਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੋਗੇ, ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਬਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਸ ਘੋਲ ਨੂੰ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ। ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਚਾਹ ਆ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦਾ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਫੇਲਿਊਰ ਹੈ, DGP ਦਾ ਫੇਲਿਊਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਭਾ ਸਥਲ ਤੱਕ ਉਹ ਗੇਟ ਤੱਕ ਆਏ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰਾੜ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ? ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ 'ਚ ਪਸੀਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮਾਤਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਰ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਥਾਨੀ ਨਿਕਾਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਕਰਾਏ ਚੋਣ, ਸਿੱਧੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ? ਅਰੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕਿਆ ਲੈਣਾ ਉਨਸੇ? ਮੈਂ ਉਨਕੋ ਬੋਲਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪਲਸ ਹਟਾਓ, ਮਰਵਾਣਾ ਬਤਾਓ ਕਹਾਂ ਚਲੇ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਖਬਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।